नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है कमोडिटी में या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 02-2300-1634, 02-2300-1635। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं चांदी की। चांदी में अच्छी तेज़ी का माहौल आज बना है और इस वक्त अगर हम MCX पर चांदी के भाव को देखें तो शुरुआती दौर के मुकाबले चांदी के दाम काफ़ी बढ़े हैं। और अब ये बात हो रही है कि क्या चांदी का भाव 50,000 रुपये के पार जाएगा। आज अभी चांदी में करीब करीब 500 रुपये की तेज़ी है, 46,600 रुपये के ऊपर चांदी में ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के, और साथ ही राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, क्या आज की जो तेज़ी है चांदी की, ये पूरी हो चुकी है या अभी और तेज़ी बाकी है 400-500 रुपये की आज इंट्राडे के लिए? मृत्युंजय जी, वैसे तो बहुत मेजर मूवमेंट चांदी ऑलरेडी ले चुका है, और जो मोमेंट आई वो 3:30 के आसपास स्टार्ट हुआ मोमेंट आना, जब चाइना और US के बीच में। बट मुझे लगता है कि अभी है और गुंजाइश है, 300-400 रुपये बढ़ सकता है। जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जोन आता है वो फिर 46,947,000 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है बाज़ार वहाँ तक जा सकता है और 46,500 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं 46,900 के लिए, 45,280 का स्टॉप लॉस रख के। और अगर जो सिल्वर है 46,947 के ऊपर सस्टेन करना में सक्षम हो जाता है, तो उस स्थिति में फिर नेक्स्ट जो मेजर रेसिस्टेंस है वो 47,400-500 का है, जहाँ से बाज़ार फिसलता हुआ सीधा 45,500 के आसपास आया था, तो वो एक मेजर रोल प्ले करेगा। अगर 47,500 के ऊपर बाज़ार चलेगा तो मैं समझता हूँ जो 50,000 की हम बात कर रहे थे सिल्वर की 2020 की, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमें एक महीने में ही देखने को मिल जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक महीने में 50,000 का भाव दिख जाएगा जी। अनुज जी, आपका क्या व्यू है? मृत्यु जी, गुड इवनिंग। देखिए, बिल्कुल सामने ही दिख रहा है कि जिस तरह का आज रैली देखने को मिली है और जो ट्रेड डील में ढिलाई देखने को हुई है, उसकी वजह से जो एक रैली पकड़ी है और साथ में जो फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, वो तीनों ही पहलू यहाँ पर दिख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। हालांकि सिल्वर $18 के आसपास चल रहा है और MCX में करीबन 46,600 के रेट चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक रैली पकड़ी है अभी, ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। 47,000 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा, वो अगर ब्रेक होता है तो हमको जल्दी ही 49,000-50,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। बाइंग की ही रणनीति मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में बनानी चाहिए। ओके, तो चांदी पर सभी लोग पॉजिटिव हैं। हमने एक ब्रोकर का पोल भी किया है सिल्वर के ऊपर कि अगले 5 से 6 महीने में क्या भाव चांदी का होने वाला है, अगर ये आप जरा दिखा पाएँ, क्योंकि उसमें सभी जानकारों की ये राय है कि अच्छी तेज़ी का इंतज़ार चांदी मार्केट का है और चांदी में अच्छी तेज़ी दिख जाएगी। ये देखिए 6 महीने का क्या आउटलुक है अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का, ये आपकी स्क्रीन पर है। 6 महीने में राजीव जी, आप क्या प्राइस देख रहे हैं चांदी का, सिल्वर का? मृत्युंजय जी, देखिए, अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं तो 51,500-52,000 जो है वो एक बिल्कुल पॉसिबल टारगेट है 6 महीने का, और 52,000 का अगर भाव ब्रेक करता है चांदी ऊपर के स्तर में, तो मुझे लगता है फिर उस स्थिति में 55 से लेकर 58 के बीच के भाव भी आ सकते हैं। तो ये विदिन 6 मंथ के ही टारगेट हैं, बट हमें टेक्निकली देखना पड़ेगा किस लेवल के ऊपर बाज़ार सस्टेन करता है। जैसे मैंने बताया 47,500 एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा 50,000 जाने के लिए, तो 47,500 के ऊपर सस्टेन करता है बाज़ार तो मुझे लगता है बहुत फास्ट मूवमेंट आनी चाहिए 49,500-50,000 की, और फिर 51,500 को एक मेजर हर्डल की तरह ही देख के चलना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट रैली बनी थी वो 51,500 पे फिजल आउट हुई थी और वहाँ से बाज़ार करेक्ट करके 44,500 तक नीचे में फैसला था, और वहाँ से फिर बाज़ार अब धीरे धीरे अब ऊपर पनपना शुरू हुआ है, और मुझे लगता है बाज़ार में रैली अभी 47,000 तक तो ड्यू है। चांदी पर तेज़ी है, बुलिश है, राजीव जी भी, अनुज जी भी, तो आपके लिए बाइंग का अच्छा मौका बन सकता है, इसको आप ध्यान में रखिए। और अगर आपका लंबा नज़रिया है इन्वेस्टमेंट का
तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके लिए अच्छा एक विकल्प है निवेश का, जहाँ पर 10-12% का मुनाफा आपको 5-6 महीने में मिल जाएगा, तो ये ठीक ट्रेड आपके लिए बन सकता है। लेकिन गोल्ड में आप क्या किया जाए अनुज जी, गोल्ड का मार्केट तो हिलने को तैयार नहीं है, चलने को तैयार नहीं है। आज पूरे दिन मार्केट डल रहा, लेकिन अब थोड़ी बहुत रौनक लौटी है, 232 रुपये ऊपर है, 38-300 के ऊपर गया है, तो क्या ये माना जाए कि ये तेज़ी अब टिक जाएगी, टिकाऊ होगी, या फिर से मार्केट एक बार दायरे में फंसेगा? देखिए डेफिनेटली एक दायरे में तो रहेगा, मगर जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। हमने देखा है कि नीचे करीबन 1480-1470 डॉलर के मार्केट ने काफ़ी अच्छा होल्ड किया है और वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। तो आज भी हमने देखा है कि 1490-95 से मार्केट रिकवर हुआ है, तो मुझे लगता है कि जब भी डिप मिले तो बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। एमसीएक्स अगर बात करें तो करीबन 38,500 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, अगर वो ब्रेक होता है तो 38,900 से लेकर 39,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। रुपये भी यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है, जिसका असर गोल्ड पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है, और साथ में फेड ने भी इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं यहाँ पर रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि 38,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर अगर मार्केट चलता है तो आपको 38,900-39,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल गोल्ड सिल्वर दोनों ही मुझे लगता है कि पॉजिटिव टेरिटरी में, और गोल्ड के अंदर भी बाइंग का ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर आप कह रहे हैं कि दोनों यहाँ पर पॉजिटिव है, बाई करके चल सकते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है सीताराम का, जैसलमेर से हैं, पूछिए सीताराम जी। सीताराम जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। 4,500 पर ग्वार और सीमेंट। 4,500 पर ग्वार आपने खरीदा है? जी नहीं, हम स्टॉक है। अच्छा, ग्वार और चने के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या व्यू है आपका अनुज जी ग्वार और चने के ऊपर? देखिए ग्वार में अगर देखें तो फिजिकल में अराइवल्स जो हैं तो कुछ कम हुए हैं, जिसकी वजह से हमने तेज़ी आते हुए देखी, और भाव भी काफ़ी लोअर लेवल्स पे थे जहाँ पर एक बाइंग एक्टिविटी दिखी है। हमें लगता है कि ग्वार के अंदर फिजिकल मार्केट में भाव कुछ ऊपर आ सकते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि करीबन 4,100 से लेकर 4,150 तक के लेवल आ सकता है। वहीं चने के अंदर भी कहीं फिजिकल मार्केट में बाइंग देखने को मिली है, तो हमें लगता है कि फिजिकल के अंदर करीबन 4,500 तक के लेवल चने में मिल सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटी के अंदर हमें लगता है कि भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अरुण हैं हमारे साथ हरियाणा से, पूछिए अरुण। अरुण आप सुन पा रहे हैं? अरुण आपको आवाज़ आ रही है? अरुण है, लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। ग्वार के ऊपर इनका सवाल था, क्या क्या व्यू है आपका राजीव जी ग्वार के ऊपर? मृत्युंजय जी मैं भी अनुज की राय से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे भी लगता है ग्वार में एक जो बाइंग है थोड़ा सा बना है, और ये बाइंग 4,150-4,150 तक जा सकता है, तो थोड़ा करेक्ट होने पे 4,050-60 का अगर दाम मिलता है एक आधे दिन में बाइंग करना चाहिए। 4,120-4,150 दो टारगेट रखे जा सकते हैं इसमें। कैलाश हैं हमारे साथ सूरतगढ़ से, पूछिए कैलाश। सर मेरा 3900 पे क्रूड ऑयल बाइंग है, मैं राजीव जी से पूछना चाहता हूँ अभी क्या करना चाहिए। 3900 पर बाइंग है आपकी? हाँ जी सर। क्रूड ऑयल आपने 3900 पर खरीदा है, आज मार्केट है 3860 पर, क्या किया जाए अनुज जी? देखिए क्रूड के अंदर कल इन्वेंट्री काफी बड़ी है, तो भाव नीचे आए हैं। मुझे लगता है कि अभी कुछ और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, मगर अगर हम लेवल वाइज देखें तो 3800-3700 काफ़ी स्ट्रांग दायरा है, जहां पर हमें लगता है कि एक दोबारा बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो इनके लिए सलाह रहेगी कि अगर 3800 के नीचे भाव मिलते हैं तो वहां पर दोबारा एवरेजिंग के लिए बाय कर सकते हैं। अगेन 3850 और 3900 का लेवल देखने को मिल सकता है, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। फिलहाल अगर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो आप बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, और 3800 के आसपास सेलिंग से निकल कर बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अंकुश हैं हमारे साथ लुधियाना से, पूछिए अंकुश। सर मैंने क्रूड बाय किया है 3900 पे, दोपहर की कॉल थी आपकी 3900 पे बाय की। क्रूड आपकी बाइंग है 3900 पर? हाँ जी, दोपहर को कॉल दी थी अजय केडिया सर। हाँ ठीक है, 3863 का लेवल है इस वक्त, दाम कुछ नीचे आए हैं, क्या अभी रुका जाए इसमें राजीव जी, या फिर क्या किया जाए, कुछ नई प्लानिंग क्या होनी चाहिए क्रूड में अब? मृत्युंजय जी देखिए थोड़ा सा रिकवरी आ सकता है यहाँ से, क्रूड ने आई थिंक 3840-3845 से भी एक रिकवरी दिखाना शुरू किया है, थोड़ा रिकवरी और ऊपर आ सकता है। 3880-85 का दाम मिले वहाँ पर ये अपनी पोजीशन से, लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करके शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं,
और नीचे में जैसे अनुज ने भी बताया, हमें भी ऐसा लगता है 3820-3800 फिर से एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पर ये अपनी शॉर्ट से एग्जिट करके इनफैक्ट लॉन्ग भी बिल्ड कर सकते हैं और उस स्थिति में 3750 का स्टॉप लॉस रखें और वापस टारगेट जो है 3900 के रखें। ओके, नेचुरल गैस में अनुज जी क्या किया जाए? यहाँ पर भी बड़ा एक्शन हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में और अभी भी मार्केट 1.5% ऊपर है। आप देखिए 200 के करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है, 194 के ऊपर है इस वक्त मार्केट। क्या आप 200 का टारगेट ध्यान में रखकर बाइंग करना ठीक रहेगा? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि 200 का लेवल है, मिल सकता है, मगर अगर हम देखें तो पिछले दो दिनों में करीबन 10 से 12 रुपए की तेजी आ चुकी है, तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ पर थोड़ा वेट करें, 190-91 के रेट मिले तो ही बाय करके चलें। ऊपर में 200 से लेकर 202 रुपए तक का लेवल यहाँ देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में है तो 2-3 रुपए की करेक्शन आ सकती है, तो फिलहाल उसके लिए वेट करें, 190-191 के आसपास रेट मिले तो बाय करके चलें, क्योंकि वेदर कंडीशन जो है यूएस की काफ़ी सपोर्टिव है और डिमांड भी यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें 200 से 200 रुपए का रेट जो है टारगेट वो इस कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश का, सदलपुर से हैं हमारे साथ, पूछिए कैलाश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए सर अब? एल्युमिनियम में अभी क्या करना चाहिए? एल्युमिनियम का भाव है 132 रुपए के नीचे और आप जानना चाहते हैं कि अभी क्या करें एल्युमिनियम में, बताइए अनुज जी। देखिए एल्युमिनियम के अंदर जो ट्रेंड है अभी भी वीकनेस का है, मुझे लगता है कि एल्युमिनियम नीचे करीबन 131 से लेकर 130-150 तक आ सकता है, तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप यहां से शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे आपको 1-1.5 रुपए की गिरावट मिल सकती है, और अगर आप बाई करना चाहते हैं तो वेट करें, 130 के नीचे जब भी भाव मिले आप बाई कर सकते हैं, वहां से आपको रिट्रेसमेंट मिलेगा 132 रुपए तक का, तो दोनों ही साइड के ट्रेड यहां पर आप कर सकते हैं, करंट रेट से आप शॉर्ट कर सकते हैं और 130 के नीचे रेट मिले तो वहां से आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इस बीच रॉबिन जुड़ रहे हैं मेरठ से, पूछिए रॉबिन। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल निकिल पे था, जो निकिल का दिसंबर वायदा उसकी चाल एक्सचेंज ने 1500 रुपए कर दिया सर, मैंने कल भी पूछा था, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर ट्रेड पर और अभी किधर जाने वाला है? इस पर कोई बता पाएंगे आप अनुज जी? सर का कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो बढ़ाया गया है, क्योंकि फिजिकल के अंदर जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उस फिजिकल डिलीवरी की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा है, जिसकी वजह से जो उसका मूवमेंट है वो उतना हो गया है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कि जो वॉलिटिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। एग्री मार्केट में राजीव जी, सोयाबीन में कुछ है क्या अभी, कुछ होने वाला है या कुछ एक्शन आप देख पा रहे हैं ट्रेड के लिहाज से? मिथुन जी, देखिए अगर हम देखेंगे तो ऑयल कॉम्प्लेक्स में मस्टर्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कमोडिटी निकल के आया है, उसके रहते हुए सोयाबीन को भी एक सपोर्ट मिला है, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन थोड़ा और ऊपर आ सकता है, 39.40-39.50 तक की एक इसमें रैली और निकल के आएगी। आज इसने अच्छा स्ट्रांग जो रैली है स्ट्रांग दिखाई है, काफ़ी 2% के आसपास रैली हमें देखने को मिली है, मेरी राय में 3840-45 के बीच में अगर मिलता है कल के दिन में थोड़ा करेक्शन होने पर बाइंग कर सकते हैं, 3920-3950 के दो टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं इसमें। सोहम वीर है हमारे साथ, 3800 के नीचे का मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, सोहम वीर है हमारे साथ, पूछिए सोहम वीर। जी सर, क्रूड 3900 पे बाई किया हुआ सर। क्रूड आपने 3900 पर बाई किया है? जी सर। अच्छा, 3865, काफी लोग बाइंग में आ गए क्रूड में। अनुज जी, क्या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? देखिए इसमें हमें लगता है कि अगर 3800 के आसपास का रेट आपको मिलता है, हालांकि 3900 से दूर नहीं है, तो 3900 अगर एक बाउंस बैक भी करेगा तो आपको 3900 का लेवल मिल जाएगा। अगर मार्केट 3800 के आसपास मिलता है तो वहाँ से हमें लगता है कि आपको दोबारा बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि 3700 और 3800 का जो रेंज है काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, और अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली भी भाव वहाँ से काफ़ी अच्छे बाउंस बैक हुए हैं, तो आप 3800 के आसपास दोबारा बाय इनिशिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एग्जिट करने का एक मौका मिल जाएगा। ठीक है, राजेश हैं हरियाणा से, पूछिए राजेश। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैं राजेश बोल रहा हूँ कालावाली से। जी जी बोलिए सर। ग्वार पूछना है, ग्वार नीचे 3700 रुपए आ सकता है? 3700 37। ओके, नीचे में क्या इतनी गिरावट की गुंजाइश है क्या आप राजीव जी? मृत्युंजय जी, अभी जो गिरावट की जो गुंजाइश है वो कम हो गई है, अराइवल प्रेशर भी कम होता जा रहा है मंडियों में, उसके रहते हुए क्या है कि बाज़ार में जो दाम हैं इसके ग्वार के वो ऊपर आने शुरू हो गए हैं, तो मुझे 3700 भी फिलहाल नहीं दिखता,
बट ऐसा जरूर लगता है कि अगले एक दो दिन में अगर 4040-4050 मिलता है बाइंग कर सकते हैं 4120-4150 के लिए। ठीक, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगला सवाल है अजय का, नागपुर से जुड़ रहे हैं, पूछिए अजय। सर मुझे कॉटन सीड ऑयल के बारे में जानना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या प्राइस रह सकते हैं और इसका सीजन का बॉटम प्राइस क्या है, कहाँ है। ओके, बताइए कॉटन केक के बारे में राजीव जी। कॉटन केक का जो नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 2050-60 के दाम थे उन दिनों, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 2100 ही एक बॉटम की तरह अब इसमें बना रहना चाहिए कॉटन ऑयल सीड केक में, और ऊपर में मुझे लगता है 2450-2500 तक के दाम इसमें आ सकते हैं। और अगर थोड़ा सा पोजिशनल बेस पर काम करना है कॉटन ऑयल सीड केक में तो 2200-2230 के आसपास अगर बाजार जब भी करेक्ट हो आने वाले 5-7 दिनों में वहाँ बाइंग करें और 2100 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करें। आज 4% का ऊपरी सर्किट लगा है अनुज जी, क्या इस एक्शन के पीछे क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं आज। देखिए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है और अगर हम फिजिकल में भी देखें तो अराइवल्स काफ़ी कम देखने को मिली हैं जिसकी वजह से एक अपसाइड मोमेंटम रहा है, तो मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्टिविटी कितनी टिकाऊ है ये जानना बहुत ज़रूरी होगा, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि तेज़ी फंडामेंटल के मुताबिक है या फंडामेंटल के खिलाफ। राजेश हैं राजस्थान से, पूछिए राजेश। रमेश हैं, पूछिए रमेश। हाँ, ग्वार सीड 4070 पे मेरा बाइंग है, अभी क्या करना होगा। 4070 पर आपकी बाइंग है ग्वार। हाँ। ओके, तो राजीव जी क्या 4070 की बाइंग है, अभी भाव है 4080 का, तो क्या बने रहें इस लेवल पे। जी बने रहें और 4120 पहला टारगेट है, 4120 से और 4150 के बीच में ये पोजीशन लिक्विडेट कर सकते हैं। अगर इनके पास दो कॉन्ट्रैक्ट है तो एक कॉन्ट्रैक्ट 4120 पे निकालें और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 4150 के आसपास निकालें और ट्रेल एसएल जरूर मेंटेन करके चलें 4000 का। ठीक है, अब अशोक जुड़ रहे हैं गंगानगर से, पूछिए अशोक। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ जी सर, ये सरसों के बारे में बताना भी, सरसों के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप। हाँ जी जानना चाहते थे ऊपर नीचे कितनी जाएगी। अच्छा, ऊपर नीचे किधर जाएगी, क्या होगा सरसों में आगे। अनुज जी बड़ा रेंज का ट्रेड आज हमने देखा है। देखिए अब देखें तो फेस्टिवल सीजन भी खत्म हो चुका है और अब देखें तो आने वाले समय में नई क्रॉप भी आएगी, तो हमें लगता है कि भावों में कुछ गिरावट ही होनी चाहिए और जनरली हम देखें तो दिसंबर और जनवरी में भावों में एक गिरावट देखने को मिलती है और बारिश भर इस बार अच्छी हुई है, तो हमें लगता है कि जो सरसों का भाव है फिजिकल में थोड़ा नीचे आ सकता है, तो फिलहाल थोड़ा सेलिंग हमें लगता है कि भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस पर आप नज़र रखें कि क्या आगे होगा। और 4307 ये क्लोजिंग प्राइस है NCDEX मस्टर्ड में और महज 2 रुपये की बढ़त हमने आज देखी है, बड़ा ही रेंज का ट्रेड पूरे दिन इस काउंटर में दिखा है। अनिल इस बीच जुड़ रहे हैं कानपुर से, पूछिए अनिल। अरे सर मेरा सवाल ये है कि हेलो जी जी पूछिए पूछिए। क्रूड के लिए सर। हाँ पूछिए। 3900 पर बाय किया हुआ है सर। किस भाव पर बाय किया है। 3900। काफी लोग 3900 में फंसे हैं राजीव जी, क्या मार्केट में वाकई तेजी की संभावना दिख रही थी और अचानक से ट्रेंड रिवर्स हो गया, हुआ क्या है इसमें। मिथुंजय जी ट्रेंड रिवर्स होने का मेन जो कॉज रहा है वो चाइना की तरफ से जो कमेंट आए हैं ट्रेड वॉर को लेकर, उसके बाद हमने क्रूड में ये फिसलन बढ़ते हुए देखा है। दोपहर के सत्र तक ये 3905-3910 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, बट जैसे ही वो स्टेटमेंट जारी हुए तो उसके बाद गिरावट होनी शुरू हुई। और क्रूड ऑयल में अगर फंडामेंटल की बात करें तो देखिए मांग अगर ट्रेड वॉर में अगर कुछ रेजोल्यूशन नहीं निकलता है तो मांग क्रूड की और कम हो सकती है, और लास्ट वीक के जो क्रूड के इन्वेंट्री के डेटा हैं US के वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले हैं, सरप्राइज पॉजिटिव था वो, और उसके बाद भी क्रूड ऑयल 3950 से गिरना शुरू हुआ था, तो मेरी राय है कि 3880-85 अभी आ सकता है, 12-15 रुपये की रिकवरी और दिखा सकता है, उस बाउंस बैक में एग्जिट करें अपनी प्लस पोजीशन में से, इनफैक्ट शॉर्ट भी बिल्ड कर सकते हैं 3880-85 के आसपास 3920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके, और 3820-3800 के आसपास इनको
वापस लेने को मिल जाएगा तो वहां पर इनका लॉस भी कवर हो जाएगा और ये अपनी पोजीशन से भी एग्जिट हो जाएंगे। अजय जुड़ रहे हैं इंदौर से, पूछिए अजय जी। सर जय जी नमस्कार, दिवाली कैसे रही जय जी? बहुत बढ़िया रही, आपको भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं जी। सर धन्यवाद, बहुत दिन से फोन लगा रहा था, लग नहीं रहा था। एनीवे कोई बात नहीं सर, वो क्रूड का ही सवाल है सर। क्रूड मैंने भी ले लिए है सर 3970 में। अच्छा, तो सर क्या हो गया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल काफी ऊपर के लेवल में आपने ले लिया है, कैसे बचा जाए, नुकसान कम करने का कोई उपाय बताइए अनुज जी। देखिए मुझे लगता है कि 3800 के आसपास ही एक अच्छा लेवल बनेगा जहां से आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि मार्केट अभी इन्वेंट्री की वजह थोड़ा प्रेशर में है, मगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपेक ने भी प्रोडक्शन कट करने की बात करी है, तो वो उसका इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 3900 या 3950 के आसपास जिनकी बाइंग है उनको भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है जहाँ पर आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी 3900 और 3950 के जितने भी क्लाइंट्स उनकी पोजीशन अगर है तो फिलहाल अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें लगता है कि मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास है और यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। ठीक, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। कॉपर में बिकवाली की सलाह होगी 42.5 रुपए में और 445 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 438 का टारगेट। आपकी कॉल अनुज? हमारी कॉल लेड में रहेगी जहां पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे टारगेट करीबन 156 रुपए तक देखने को मिल सकता है। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी? मृत्युंजय जी निकिल में बिकवाली की एडवाइस होगी 1204-5 के आसपास और 1215 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, मुझे लगता है 1185-1190 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।